एलएसी पर चीन अपनी चालबाज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से सटी सीमाओं के नजदीक चीन लगातार निर्माण कर रहा है। गलवान और तवांग में भारतीय सेना से झड़प के बाद तो चीन इस काम को और तेजी से कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट ने भारतीय अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। अब जो खबर सामने आई है, सुरक्षा एजेंसियां भी चीन की इस चाल से हैरान हो गई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि चीन आखिर किस नए प्लान की तैयारी कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने एलएसी पर सड़कें, स्टोरेज फैसिलिटीज, हवाई अड्डे और हेलीपैड का नेटवर्क तैयार किया है। एलएसी के पास चीन यह विकास चीन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का संकेत दे रहा है। वहीं साल 2022 की तरह ही चीन ने एलएसी पर सैन्य तैनाती में अब तक कोई कटौती नहीं की है। चीन ने पश्चिमी सेक्टर में एक बॉर्डर रेजिमेंट की तैनाती की है। इसकी मदद के लिए जिनजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिवीजन की दो टुकड़ी भी तैनात की गई है। इसके अलावा 4 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड भी रिजर्व में है। बता दें कि चीन की एक बॉर्डर रेजिमेंट में कम से कम 4,500 जवान शामिल होते हैं। ये रेजिमेंट खतरनाक तोप, हेलीकॉप्टर, गश्ती के लिए विशेष वाहन, गोला बारूद से लैस होती है। इस रेजिमेंट को हर मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए माहिर माना जाता है। पेंटागन की रिपोर्ट से ये बात साफ है कि भारत चीन के बीच किसी भी तरह की सकारात्मक बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। इसलिए चीन ने डोकलाम के पास नई सड़कों के साथ साथ बंकर भी बना दिया है। पेंगोंग झील पर एक दूसरा पुल भी तैयार कर दिया है। चीन का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी तीसरे पक्ष को रोकने या जरूरत पड़ने पर उसे हराना है। इसलिए चीन जमीन, समुद्र और हवा से वार करने के अलावा न्यूक्लियर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर स्पेस में अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इससे पहले ये बात निकलकर भी सामने आई थी कि साल 2030 तक चीन के पास 1,000 परमाणु बम होंगे, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।